तक बाकी लोग आते हैं तब तक ये ड्रॉ करेंगे हम लोग। सॉल्व फिर वो ये ग्राफ वाला ना। हाँ जी ट्राई करेंगे इसको। जी सर। सर बच्चों को टाइमिंग लेनी थी काफी, हम मैसेज भी आए थे कल उसके। सुबह कह तो दिया था, एक बार ग्रुप्स में डाल दो बेटे सारों को ना, सेक्शन मेरा ग्रुप फोन चार्जिंग पे लगा हुआ, आप कर दो, सारे डाल दो, सेक्शन ए बी सी डी सारे डाल दो बेटे। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ सर। मुझे समझ नहीं आता है तेरे को क्यों मैसेज करते हैं सारे। मुझे भी आता कि समझ नहीं आया। मेरी सेक्शन के छोड़ो दूसरे सेक्शन के भी आ रहे थे। सर अब इसमें जैसे एक्स लेसर देन 400 लिखा है तो वो लेफ्ट साइड बनेगा ना। हाँ जी हुआ है ड्रॉ अभी तक? यस सर। हाँ जी क्या बनेगा यहाँ पे अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो? इस वाली इक्वेशन को देखें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000, एक्स वाई, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई आ गया 1000,
वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 500। बाकी और कोई पॉइंट चाहिए नहीं अपने को। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। अब देखो इंडेक्स काफी बड़ा है इसका, तो 100-100 का गैप ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 कहां तक लेके जाऊं? 1000। एट हंड्रेड, 900, 1000, ये हो गया। और इधर मैं 500 तक ही ले लूँ। पहला पॉइंट क्या आ रहा था मेरे पास? सर वाई में 1000 तक चाहिए। चाहिए, 1000 तक चाहिए। 500, 600, 700, ठीक है चल जाएगा इतना। यस सर, 700 तक चल जाएगा। पहला पॉइंट था अपना कितना था? 0000। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 10 हो गया और इधर 500 हो गया। ये बना बेटे एरिया, ये एरिया बन रहा है अपना यहाँ पे, ये वाला। अब साइन क्या है? लेसर देन। लेसर देन का मतलब क्या हो गया? नीचे वाला एरिया, ये वाला। यस नो? यस सर। इसके बाद सेकंड लाइन क्या अपनी? x ग्रेटर देन 400, सॉरी x लेसर देन 400। तो x लेसर देन 400 का मतलब ये रख लें, ऐसे जा रहा है ये 400 वाला। लेसर का मतलब कौन सा एरिया? ये वाला। सर ये ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा बेटे? लेसर नहीं है वहां पे, क्या लाइन है सर? बट कल जैसे x greater than 1 था उसमें भी आपने, तो greater वाला एरिया ये वाला आएगा ना। नेक्स्ट कौन सा है अपना? y lesser than 700। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आ रहा है जी सर। आगे समझ, आगे समझ। तो 700 वाला एरिया ये होएगा नीचे वाला, ठीक है नहीं? ये एरिया आ रहा है, नीचे आ रहा। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी है? x greater than 100। x greater than 100 में कौन सा आएगा? x equal to 0 की लाइन ये हो गई। ग्रेटर का एरिया कौन सा होगा? ये वाला। और नेक्स्ट लाइन कौन सी आ गई अपने पास? y greater than 100 वाली, वो ये एरिया हो गया। तो नेट अब आप देख सकते हो कि जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है सर? x greater than 100 और y greater than 100 कहाँ था? सॉरी, x greater than 0, y greater than 0, ठीक है नी? हाँ जी। अब कौन सा एरिया बन रहा है मेरे पास? ये वाला। आप देख सकते हो ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया। नेमिंग कर दें इसकी, ए बी सी डी ई। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 700। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स 400, 0। अब डी पॉइंट कैसे निकलेगा? डी पॉइंट किस पे आ रहा है? पिंक लाइन पे और ग्रीन लाइन पे आया ना, पिंक लाइन पे और ग्रीन लाइन पे। अब पिंक लाइन कितनी है अपने पास? 2x + y = 1000। और ग्रीन लाइन कितनी है? x = 400। तो x = 400 यहाँ पुट कर देंगे तो y कितना आ गया अपने पास? 200। तो पॉइंट क्या हो गया? 400, 200। डी पॉइंट बिकम्स 400, 200। सबको क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? डी कैसे निकाला मैंने? डी पॉइंट निकालने में किसी को दिक्कत? ई पॉइंट, ई पॉइंट है पिंक लाइन पे और ब्लू लाइन पे। पिंक लाइन कितनी है अपनी? 2x + y = 1000। और पिंक लाइन कितनी है?
y इक्वल टू 700 तो 2x कितना हो गया 300, x की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो 150 कॉमा 700 ये बन गया, तो e पॉइंट आ गया 150 कॉमा 700। अब पुट करके z बताओ। सर एक ब्रीफ क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना। दिखा तो दी बेटे ये दिखा दी है सर हो गया कौन सी वाली मैक्सिमम आ रही है मैक्सिमम ई आ रहा है क्या आंसर आ रहा है 150 700 पे 2850 हाँ जी सर 2850 सर और सर मिनिमम है बी 0 0 0 मिनिमम लेकिन मैक्सिमम का क्वेश्चन था ना जेड मैक्स लिखा हुआ था सर आपने एक्स जो था एक्स ग्रेटर देन 0 वो कैसे मेंशन किया था उस पे ग्राफ पे ये लाइन थी ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली हाँ ग्रेटर देन 0 ये हो गया Okay. मतलब उसी लाइन का ये राइट साइड वाला पार्ट हाँ ठीक है हो गया बेटे ड्रॉ सबका किसी का आंसर नहीं बनाओ करें आगे एक सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे इसमें 5 पॉइंट बने थे ए बी सी डी ये मैक्सिमम कितने जाते हैं जितने मर्जी बने ऐसा तो कोई कभी ध्यान नहीं दिया मैंने सर एक बार ही नेक्स्ट स्लाइड पे आना वो ग्राफ्स के पॉइंट चेक करें सर क्या था इसका आंसर मैक्सिमम वैल्यू 2850 यस सर जेड की वैल्यूज बता दो 2850 ये सारों के बता रहे हो सारी जेड की वैल्यूज बता दो यस फर्स्ट की 2100 इस पे 2100 लेकिन 0 एक मिनट रुको मैं लिख देता हूं बोर्ड पे ना थर्ड 2000 और फोर्थ 2600 ये आ रहा है 2100 नेक्स्ट है 0 उसके अगली कितनी है 2000 और उससे अगली 2600 2600 और लास्ट कितना है 2850 क्लियर हो गया बेटा सबको ये हाँ है ना यस सर यस सर
एक क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन जेड इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2, x1 x2 रहने दो, x और y लिख लो, प्लस 5y माइनस 3x प्लस 4y लेसर देन इक्वल टू 12, 2x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, x lesser than equal to 4, x greater than 0, y greater than 0, और इसमें निकालना है मिनिमम। अब बेटा सारे इस क्वेश्चन में एक पॉइंट देखेंगे लाइन वाला, ये इसमें क्या चीज नजर आई है आपको इस लाइन में? x माइनस y माइनस 2 माइनस 2 है। हमारे जो कांस्टेंट होने चाहिए ना वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, लिख लो ये बात, कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है जी, कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x प्लस y उधर 2, और साइन क्या कर जाएगा, चेंज। ये साइन क्यों चेंज करेगा, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, 2 लेसर देन 3 होता है, दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, अब कौन छोटा होएगा, माइनस भी छोटा हो जाएगा ना, देखो इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाती है, छोटा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशंस कौन सी हैं काम की, ये वाली, ट्राई टू ड्रॉ देम, इसको नहीं देखना, अब ये इक्वेशन काम की नहीं रही हमारी, खत्म हो गई इक्वेशन, ड्रॉ करो इसको, ट्राई करो करने की। बेटे वेरिएशन समझ आया ना इस क्वेश्चन में क्या है,
सर हो गया, हो गया ड्रॉ, बड़ी जल्दी कर दिया सर, हो गया सर, एक्स वाई वाली वैल्यूज आ गई, ड्रॉ तो कब का होगा? दो मिनट और दे रहा हूँ, कर लेने दो। चलो जी ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट पिंक लाइन से मार्क कर लेते हैं पॉइंट एक्स वाई, एक्स को जीरो पुट किया इस वाली इक्वेशन में तो वाई कितना आ गया थ्री, वाई को जीरो पुट किया तो एक्स कितना आ गया माइनस फोर, यस नो? यस सर, यस सर। नेक्स्ट लाइन को हम मार्क कर देते हैं ग्रीन से, इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को क्या बनेगा, x को जीरो पुट किया तो y टू आ गया, y को जीरो पुट किया तो x माइनस वन, यस सर। तीसरी लाइन ये हो गई, x को जीरो किया तो y आ गया फोर, y को जीरो पुट किया तो x आ गया सिक्स, तीनों लाइन ड्रॉ होगी। Let us move on to the next line page and try to draw this. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है जी। अब पहला पॉइंट क्या है, 0, 3, पिंक से ड्रॉ करेंगे इसको, 0, 3 यहाँ पे आ गया, और दूसरा कितना है -4, 0, -4 यहाँ पे आएगा आपका, ये लाइन ऐसे बनेगी, यस नो? और साइन क्या है यहाँ पे, लेसर का, तो लेसर का एरिया कौन सा आएगा, ऐसे नीचे वाला, ये एरिया आएगा नीचे वाला, सर ये ग्रेटर का एरिया ना हुआ, चेक करो जो मैंने कल ग्राफ ड्रॉ किया था उसका थर्ड ग्राफ चेक करो सर, ग्रेटर लिखवाया हुआ आपने, ग्रेटर लिखवाया हुआ सर आपने, कटवा के ना दोबारा से ग्रेटर लिखवा, ठीक करो बेटा, फिर लेसर का एरिया, यही कंफ्यूजन कल थी मेरे को ना, कंफ्यूजन थी सर, ये वाला एरिया हमेशा ग्रेटर का रहेगा और ये वाला एरिया इसमें लेसर का रहेगा। सेकेंड, जीरो कॉमा टू यहां पे, और दूसरा कितना है -1, 0, यही पॉइंट है, ये बनेगा ऐसे, और यहां पे साइन क्या है, यहां पे भी साइन क्या आ गया, लेसर का, तो अब एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन दोनों के नीचे वाला, यस सर। नेक्स्ट 0, 4 यहां पे होगा, एंड नेक्स्ट 6, 0 ये ऐसे जाएगा, और क्या कह रखा उसने, उसने आगे क्या रखा है आपको, ये साइन क्या है आपका, लेसर वाला, तो इसमें लेसर वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा लेसर वाला, यानी कि अभी जो वी टाइप में कुछ बन रहा है वैसा बनेगा, हो सकता है आपकी फिगर थोड़ी डिफरेंट हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या अपने पास, एक्स ग्रेटर देन
एक्स ग्रेटर देन सॉरी एक्स लेसर देन फोर, तो एक्स इक्वल टू फोर की लाइन ये बनेगी, लेसर का मतलब ये वाला एरिया। उसके बाद एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाला एरिया, एंड वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाला एरिया। तो नेट आपके पास क्या फिगर बन रहा है, ऐसा बॉक्स टाइप बन गया कुछ? बोलो भाई। यस सर। ऐसा ही बन रहा है, ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे आ रहे हैं ग्राफ में? यस सर। यस सर। क्योंकि हो सकता है कि मैं जब ड्रॉ करूं तो वो ऐसे ना बन रहा हो, ऐसे आपका ना ऐसे करके ऐसे कुछ ऐसे ना बन रहा हो, तो वो पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं आपके। अब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट ई, तो ए बी सी डी तो आप निकाल ही सकते हो। देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। ए बी, ए के पॉइंट क्या आ रहे हैं? 02 02, बी के पॉइंट 00, सी के पॉइंट 40। अब डी का पॉइंट कैसे निकालेंगे? येलो लाइन पर, ब्लू लाइन पे, येलो लाइन और ब्लू लाइन, तो सॉल्व करें। येलो लाइन कौन सी है अपनी, एक्स इक्वल टू फोर, और ब्लू लाइन कौन सी थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो x को 4 पुट कर दिया, 3y इक्वल टू 4 आ गया, तो y कितना आ रहा है, 4/3। तो ये पॉइंट बन गया 4, 4/3। सर x को 4 कैसे किया आपने? ये लाइन कौन सी है, येलो और ब्लू लाइन पे है ना, येलो लाइन में क्या आ रहा है, x इक्वल टू 4। अच्छा 4 ये, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट ई पॉइंट। अब ई पॉइंट किस पे है, ये तीन लाइनों पे लाए कर रहा है, तो किसी भी दो को पकड़ लें, ग्रीन और ब्लू को ले लेते हैं। ग्रीन और ब्लू, ग्रीन कौन सी लाइन है अपनी, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2, और ब्लू लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 2x। Put it here. Try to get the answer. सर ई पॉइंट में आपने यही दो इक्वेशंस क्यों ली हमारे पास? बेटे वही मैं पूछ रहा था ना आपसे, आपने मुझे बोला कि ये तीनों एक लाइन पे लाए कर रहे हैं। आप नहीं सर, दो ही आ रही हैं, दो आ रही, तीन नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं सर, दो कर रही है, मेरी तो तीन ना कर रही है। चलो जैसे भी, अगर ऐसे फिगर बन रहा है, देखो अगर ऊपर जाके चोंच नहीं बन रही, ऐसा फिगर बन रहा है फ्लैट सा कुछ, तो इस पॉइंट को निकाल लो अलग से, इस पॉइंट को निकाल लो अलग से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास सोल्यूशन में क्या, मेरे पास ही बेटे एक ही पॉइंट पे आ रही है तीनों लाइने। नो सर, एक ही पे आ रही है मेरे पास भी ग्राफ में भी। मैंने तो सर नोटबुक में बनाया, तो हो सकता अलग। कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ। आवाज नहीं आ रही। हेलो, बेटे आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सर वो शायद आंसर पूछ रही है, शायद लास्ट का आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें आंसर दिया नहीं हुआ मेरे को जो क्वेश्चन है ना इसका। सर एक्सक्यूज मी सर, ये पार्ट नहीं समझ में आया कि जब इक्वेशंस में कैसे डाल के डी लगाते हैं, ये निकालते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा होता है ग्राफ में। जिन दो कल का लेक्चर लगाया था? हाँ सर लगाया था। तो जिन दो पॉइंट्स पे लाए कर रहा होता है, जैसे ये पॉइंट देखो, डी किस पे लाए कर रहा है, येलो लाइन पे। येलो लाइन क्या है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू फोर की। यस। और ये ब्लू लाइन कितनी कौन सी है, ब्लू लाइन कौन सी थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12।
इज इक्वल टू 12, तो इनको सॉल्व कर दो दोनों को, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट किस पे लाया कर रहा है, ब्लू पे, ग्रीन पे और पिंक पे, तो कोई भी दो लाइनें पकड़ लो इनमें से और उनको सॉल्व कर दो। ओके सर, कितना आ रहा बेटे एक्स और वाई इस केस में? एक्स 3/4 आई गेस। और वाई? y कितना आ रहा बेटे? बड़ा देर लग गई भाई, कुछ लोग तो ऑन करके चले गए, सैटरडे उनका आज काम नहीं करेंगे। चैट में एक आंसर आया, ईशान तिवारी की रोल नंबर की जगह भेज दो आप मेरे को वैल्यू। रवि से तो बात नहीं, रवि नंदन कैसा है भाई? y आ रहा है 3.5, थैंक यू रिश्वा। तो आपके पास अगली वैल्यू कितनी आ गई, ई पॉइंट का एक्स आ रहा है 3/4 और दूसरा आ रहा है 3.5। तो अब जेड निकालो यहां से पुट करके, सर मेरे ग्राफ में सिर्फ 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, वो ई पॉइंट नहीं आ रहा है। बेटे आना चाहिए कहीं ना कहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीन लाइनें हैं वो बंद कैसे बनेगा, नीचे वाला एरिया बनेगा ऐसे, ये तो चार पॉइंट से ही होगा ना आपके, तो बॉक्स कैसे बनेगा फिर? पेपर पे ड्रॉ किया कि ग्राफ पे ड्रॉ किया? ग्राफ पे ड्रॉ किया, फर्क नहीं आना चाहिए बच्चे। ओके आंसर आया है हमारे पास, ए पे आ रहा है -3 आई गेस, ए पे -3, बी पे 0, सी पे 12, डी पे 18.65 और ई पे 19.75। ये एफ पॉइंट कौन सा बेटा, एफ पॉइंट भी आ रहा है कोई? विश्वा हमारे पास एफ पॉइंट आया नहीं है, तो मिनिमम का क्वेश्चन था, तो मिनिमम किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है? यस सर। बेटा ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करो, सबके अलग अलग से बनने शुरू हो गए, होना नहीं चाहिए ऐसे, या तो मेरा गलत होगा और ग्राफ पे सही होगा, अगर किसी की फोटो मेरे से मैच कर रही है तो फिर बंदे ने गलत कर रखा है। सर जो आपकी वाली बुक है वो न्यू एडिशन है? पता नहीं यार, हाँ अभी नई खरीदी थी मैंने। अच्छा, एडिशन तो कई चेन होता है। पुराने वाली में एक्स्ट्रा है थोड़े से क्वेश्चंस। पता नहीं भाई, इसमें फर्क नहीं आता बुक में शायद कोई, जहाँ तक मुझे याद है। सर मैंने देख लिए क्वेश्चंस। देख लिए?
तने बेटे आगे लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ राइट ऑन मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू माइनस फाइव वाई कर रहा हूं रिशो x1 प्लस x2 ये y है x प्लस y लेसर देन इक्वल टू 1 माइनस 0.5x माइनस 0.5y लेसर देन इक्वल्स टू माइनस 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्राई करेंगे वेरिएशन का ध्यान रखना माइनस 10 आ रहा है विश्वा एक मिनट चेक करता हूँ फोन चार्जिंग पे लगा हुआ करो ड्रॉ इसको भव्य का भी आया है आपके रिश्वा एरर क्या है मैं बता देता हूं आपको आप ये देखो मेरा डी पॉइंट कहां पे आया ये देखो और आपने यहां ले लिया पॉइंट ये वाला गलत है ना आपका पॉइंट इधर आएगा पहले तो ग्राफ कौन सा बन रहा है आपका ये पार्ट बन रहा है सर इसमें a माइनस 3 कैसे आया किस वाले में इसी क्वेश्चन में जो आपने अभी प्रेजेंट किया पता नहीं बच्चों ने बताया है वैल्यू पुट करके मुझे नहीं पता मैं तो सर कॉपी कर दी थी 10 आ रहा है सर ये मेरा भी 10 आ रहा है हां फिर वो 10 होएगा ना यहां पे हम तो आंसर क्या होगा मिनिमम 0 होएगा फिर b ओके भव्य आपने जो भेजा है 0 माइनस 3.4 बेटा आपकी एक लाइन का एरर आ रहा है 4.6 कहाँ पे बन रही है लाइन 4.6 वाली लाइन को चेक करो इसमें एरर है आपकी वो शायद ये 3.4 वाली लाइन 4.6 ठीक बनी हुई है आपकी जो आपकी लाइन बनी है 3 और 4 वाली बेटे वो 3 और माइनस 4 है ये पिंक वाली लाइन वो पिंक वाली लाइन है तो आपकी ग्राफ ही गलत बना हुआ ओके सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हो गया बेटे ड्रॉ यार
करंट ड्रॉ इसको ओके क्या बन रहा है अभी यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशन को ठीक करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास 0.5x प्लस 0.5y इक्वल टू 10 तो अब इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं फर्स्ट केस में फर्स्ट इक्वेशन ये वाली एक्स वाई एक्स को जीरो पुट करेंगे वाई वन वाई को जीरो पुट करेंगे एक्स वन रेड इस वाली इक्वेशन के लिए x को पुट करेंगे तो y आ जाएगा 20 आएगा नहीं हाँ 20 ठीक है y को जीरो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 ठीक है जी अब ये हो गया अब इसको ड्रॉ अगर हम करेंगे ये वन यहाँ पे मैं फाइव ले लेता हूँ फाइव टेन बन लीजिए बात एक चीज का थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ बेटे मैं इधर देखो ऊपर स्क्रीन पे मैंने एक्स को जीरो लिया तो वाई टेन आ रहा है चलो इसको ऐसे ड्रॉ करते चेंज नहीं करेंगे ग्राफ कैसे बनेगा इसका वन जीरो जीरो वन सर ट्वेंटी नहीं टू आएगा टेन डिवाइड बाय 20 आएगा बेटे 20 आएगा सर कईयों ने 5 ले लिया ना जो 5 ले रहे हैं उनका 2 आएगा 5 क्यों ले रहे हैं 0.5 है जब 2.5 से आएगा 0.5 सब भूख लग रही है उनको 0.5 है बेटे अब ये लाइन ऐसे बनेगी 10 वाली लाइन और साइन क्या है लेसर वाला तो लेसर का मतलब नीचे वाला एरिया आया ना दूसरा मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ जीरो कॉमा ट्वेंटी इधर ट्वेंटी कॉमा जीरो इधर तो लाइन ये ऐसे जा रही होगी कुछ yes, और यहाँ पे साइन ग्रेटर का तो ग्रेटर का मतलब ऊपर वाला एरिया उसके बाद एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाला एरिया ठीक है जी और लास्ट कौन सा अपना वाई ग्रेटर देन जीरो तो उस वाले में ये वाला एरिया तो अब आप देख सकते हो कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहां पे चारों चीजें आ रही हैं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इस वाले एरिया को नीचे वाला एरिया यहाँ पे रेड वाला सिग्नल मिसिंग है इस वाले एरिया को देखो तो यहाँ पे पर्पल वाली चीज मिसिंग है बीच वाले में पर्पल और रेड दोनों मिसिंग है हाँ है ना तो कोई भी एरिया ऐसे नहीं आ रहा जहां पे आपके पास सारे रीजन आ रहे हो तो अगर रीजन मार्क नहीं होगा तो हम एबीसीडी नहीं निकाल पाएंगे एबीसीडी नहीं निकाल पाएंगे तो हम कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल पाएंगे कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल पाएंगे तो जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आप आंसर ना निकाल पाओ तो आप क्या कहोगे उसको इनफीजिबल इनफीजिबल सॉल्यूशन एम आई क्लियर गाइस एम आई क्लियर जिसमें सारे मैच नहीं होते की बात नहीं है जिसमें हमारे पास रीजन ही ना आए इसमें रीजन कॉमन आ नहीं रहा ना आप देखो हर एक रीजन में कोई ना कोई मिस हो रहा था अच्छा कोई एक रीजन नहीं आ रहा जिसमें सारे वो लाइन तो पॉइंट नहीं आ पाएंगे पॉइंट नहीं आएंगे तो एक्स वाई जेड नहीं आएंगे एक्स वाई जेड नहीं आएंगे तो जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे बोलो कोई डाउट इनफिजिबल सॉल्यूशन में सर जो पर्पल वाली लाइन है आपने उसका लेसर देन क्यों लिया इसमें ग्रेटर देन नहीं लेंगे हां ऐसे नहीं करना ये देखो बेटे इसको हम क्या कहते हैं ओहो लेसर देन ओके सर रेड वाले में भी तो लेसर वन है तो उसमें क्यों नहीं लेसर नहीं है ध्यान से देखो ओके ये क्वेश्चन तो अब रही नहीं ना फिर हमारी जब चेंज कर दी हमने ओके
करें आगे इनफीजिबल के बाद राइट ऑन द क्वेश्चन मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्टेड टू 2x1 माइनस 4x2 2x1 प्लस 4x2 बेटे मैं जो ये बना रहा है मैं उसको बता दूं मैं हैप्पीली मैरिड तो ये सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा आपने 4x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं समझ सकता हूँ बेटे डिप्रेशन की स्टेज आ चुकी है इस बालक की x1 और x2 और कुछ नहीं है x1 means x and x2 means y तो आप x और y में भी कन्वर्ट कर सकते हो ट्राई टू मार्क द एरिया तुम्हारे जो नॉर्मल मॉड्यूल्स होते हैं वो कितने कितने हफ्ते के होते हैं सर 18 डेज के होते हैं 18-20 इतने ही होते हैं सर नीचे नहीं होते सर इससे नीचे सर एक महीना चलता है एवी मारी जा रही है हां ऐसे बीच में तो नहीं तो छुट्टी आती है सर 18-20 वर्किंग डेज बोले मैंने शुआनी जी थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलते पहले तो सुना नहीं आपका नाम रख देना गदाधारी भीम सर 54 आवर्स का मॉड्यूल होता ना तो 18 वो बस ठीक है भावुक नहीं होते ज्यादा आप भी आकाश मोशन रामायण लिख रहे इस पे आकाश पूरी हां हो गया देन सर डन क्या बन रहा है ग्राफ भेजो मेरे को जरा फोटो केशव दोनों लाइनें कैसे आधी लाइन ही भेज दी भाई
दो लाइन है इसमें, बाकी जीरो ही आ रहा है दोनों में। ना, ना कुछ गलती करी आपने। थ्री मिनट्स मोर पानी पी के आ रहा हूँ, फिर ड्रॉ करता हूँ। कैसे हो, अपना आंसर बताइए क्या आ रहा है, एक्स वाई की वैल्यूज। मैंने सेकंड इक्वेशन गलत ले ली थी, अब मेरा ठीक हो गया है 0.75। मेरा आ रहा है मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है 0 और -2.5 और उसमें 0.2.50 बता दे आंसर। व्हाट्सएप पे भेज दे चल। चलो जी ड्रॉ करते हैं इसको। ओके क्या बनेगा अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में एक्स को जीरो पुट करते हैं तो कितना आ जाता है वाई -1/4, इसको पुट करेंगे तो 1/2। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्स वाई, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास 3/4, वाई को जीरो पुट करेंगे तो 3/2। ठीक है जी, तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस, यही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं। अगर इनको आगे पॉइंट्स में कन्वर्ट करके हम ग्राफ बनाए तो। ओके सर। 0.25, 0.5, 0.751, यहाँ पे -0.25, -0.5, -0.75, -1, 0.25, 0.5, 0.751। ठीक है जी, और इधर -0.25, -0.5, -0.75, -1। तो अब इसके बाद अपने पास 0, -1/4 कितना हो गया ये, और 1/2.5 ये बन रहा है बेटे ग्राफ। यस सर। यस। अब यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर वाला तो ऊपर का एरिया आएगा। एरिया यस सर।
ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या आएगा ग्रीन वाले में, 0.75 और 3/2 1.5, यहाँ पे कहीं मार्क ऐसे कर देता हूँ मैं, ऐसे जा रहा है ये। और ग्रेटर वाला एरिया कौन सा आएगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हो जो हमारा एरिया बन रहा है कॉमन वाला, वो बेसिकली ये वाला एरिया बन रहा है सारा, यस नो, ऊपर वाला पूरा एरिया बन रहा है ऐसे, यस सर। अब आप देखो ये जो है ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का मतलब क्या है, हमने जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए उसमें एक बॉक्स टाइप बन गया था, क्लोज्ड एरिया आ रहा था मेरे पास, बट यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है, अनक्लोज्ड, यस नो, यस सर। ऊपर की तरफ खुलता ही जा रहा है ना एरिया नीचे की तरफ। तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, हाँ जी हाँ। तो बेटे लाइन देखो ना, जब ऐसे वाली लाइन होती है अपनी, तो ये वाला एरिया लेसर का होता है, ये एरिया ग्रेटर का होता है। सर जो रेड वाली लाइन है वो आपने कौन सी वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो सर लेसर है। हाँ तो लेसर का एरिया ये वाला। सर आपने अभी चेंज नहीं करवाया था यार, ये ना बड़ा पंगा पड़ा हुआ आज तो। एक मिनट मुझे ना फाइनली एक बार चेक कर लें, तो बाकी तुम लोग ड्रॉ करो, ये फोटो तो मेरी मैच कर रही है इसमें। पिछले क्वेश्चन में एरर आ रहा है क्या अपना, एक बार पीछे कर लेना। इस वाले में पिंक लाइन थी ना, पिंक लाइन क्या आ रही थी, लेसर वाली, हाँ एरर आ रहा है भाई यहाँ पे। बेटे काम करो, इस वाली चीज को ना ठीक कर लेना उस क्वेश्चन में, ग्रेटर से कर लो, तभी वो एरिया ठीक मार्क हो रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दे रहा इसमें ना, ठीक है, उसको ग्रेटर कर लो। और फाइनल ये ग्रेटर है, अब इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं ही गलत कर रहा हूं, ये लेसर होगा। एक मिनट, ये रेड वाली लाइन लेसर का एरिया था ना बेटे, ठीक कर रखा था मार्क हमने। वो लेसर वाला एरिया ऊपर का ही था लाइन के अंदर भाई। एक बार इस कंफ्यूजन को ना क्रिएट, एक बार रुक जाओ, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये लाइन अगर मेरी बेटे ऐसे जा रही है, तो ये एरिया लेसर का है मेरा और ये एरिया ग्रेटर का है। इस पॉइंट को पहले तो ठीक करके लिख लो अपने पास एक बारी। सर ये इतना तो ठीक था अभी ग्राफ तो, ये ठीक है ना। अब इसके बाद पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं रेड लाइन लेसर वाला एरिया है, तो लेसर का मतलब इससे ऊपर ही जाएगा ना, ये वाला इससे ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, पीछे चलते हैं एक बारी जरा। यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, आपने को ये दिया हुआ था ओरिजिनल में, तो लेसर का एरिया था, तो लेसर वाले में हमें ऊपर वाला मार्क करना चाहिए था। तो मैंने इसमें क्या ठीक करवाया आपको, कि क्वेश्चन के अंदर ही ठीक कर दो इक्वेशन को, ये ग्रेटर वाला एरिया, तभी वो नीचे वाला एरिया मार्क हो रहा उसमें। अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है, yes, ठीक है। Yes. अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट लिखवा रहा था मैं, लिखो इफ द रीजन इज अनबाउंडेड, इफ द रीजन इज अनबाउंडेड, दैट इज इफ द रीजन इज अनबाउंडेड, दैट इज नो कंप्लीट बॉक्स इज फॉर्म्ड, नो कंप्लीट बॉक्स इज फॉर्म्ड
then if the area open upwards, then if the area open upwards, we will not be able to find, we will not be able to find the maximum value, we will not be able to find the maximum value, but the minimum value can be found, but the minimum value can be found. Whereas if the region open up downwards, but if the region open up downwards, then we will be able to find the maximum value, then we will be able to find the maximum value, but not the minimum value. ठीक है, एक बार इस पॉइंट को पढ़ो. आया मैं. हाँ जी, यहां उसने क्या बोला है कि अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो ना, और जैसे इस केस में रीजन ओपन अप कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है जी, रीजन ओपन अप कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इस केस में हम जैसे इसका रीजन क्या बना है अपना, ये बनेगा इसका रीजन, इसका रीजन क्या बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला, तो ये अनबाउंडेड है और ऊपर की तरफ ओपन कर रहा है, तो इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल नहीं पाएंगे, बट मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. एम आई क्लियर? हाँ जी, क्लियर है भाई कि नहीं? अगर ऊपर की तरफ ओपन अप करे तो हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट मिनिमम निकाल सकते हैं. वहीं अगर नीचे की तरफ ओपन अप कर जाए, नीचे की तरफ ओपन अप करने का मतलब क्या है कि लेटर से मैं कह दूं कि रीजन लेटर से ये मार्क हो जाता ऐसे करके नीचे की तरफ ओपन अप हो रहा है, तो उस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते. दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है. अब वैल्यू निकालेंगे कैसे? अब आप देखो, ऊपर वाले में हमारा एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट आ रहा है, दो पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास. इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट नोट करो, इसको ए मार्क कर रहा हूं, इसको बी मार्क कर रहा हूं. ए और बी, ए में क्या पॉइंट आ रहा है आपका? 0.75. अब बी पॉइंट कैसे निकलेगा? बी पॉइंट कैसे निकलेगा भाई? इतने क्वेश्चन करा जो दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है उनको सॉल्व करो. सॉल्व और बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ. केशव, एरिया गलत आ रहा है आपका जो आपने फिगर भेजी है. गरा से ठीक कर लिया. 1.25 एक्स आ रहा है 1 और वाई आ रहा है 0.25. हां जी सर, मुझे लग नहीं रहा ठीक है सर. 1, -1.4 ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए. अब इनको पुट करके सेट निकालो. सर फर्स्ट का 3 आ रहा है, सेकंड का
सिक्स सिक्स फाइव प्लस वन यस सर. तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? थ्री. हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? मैक्सिमम निकालने को. लेकिन तो मैक्सिमम के लिए हम क्या कमेंट करेंगे? नो मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मिनिमम क्या रखा होता तो मेरा आंसर क्या होता? थ्री. सर इसे मैक्सिमम ऐसे सिक्स कौन ले सकते हैं? नहीं. बेटे क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? एक नीचे वाले बॉक्स का कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर बस करेंगे आज के लिए. मिल नहीं रहा इसमें. ये क्वेश्चन करते हैं, लिखो सॉल्व. सॉल्व जेड इज इक्वल्स टू 5x plus 8y, x lesser than equal to 4, y greater than equal to 2, x plus 5 is equals to 5, x greater than 0, y greater than 0. Mind it, ये तीसरी equation गलत नहीं लिखी है मैंने, इसमें है ही equal to. ठीक है जी, try करेंगे, minimize करना है इसको. ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर बस. सर सर x plus y is equal to 5 कैसे देखेंगे? ड्रॉ तो सेम तरीके से ही होगा. हाँ जी. अब इसका मतलब ना ही लेसर ना ही ग्रेटर, सिर्फ वो लाइन लाइन काम आएगी हमारे. ठीक.
करें ड्रॉ इसको. One, two, three, four, five. तो सबसे पहले लाइन अपनी आएगी रेड वाली, ये एक्स क्या है लेसर देन फोर. तो एक्स इक्वल टू फोर की लाइन ये जा रही है, लेसर वाला एरिया टूवर्ड्स ही लेफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इसको वाई ग्रेटर देन टू, वाई लेसर देन टू, सॉरी वाई ग्रेटर देन टू है. वाई ग्रेटर देन टू का मतलब क्या हुआ, इससे ऊपर वाली सारा एरिया. अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो x को जीरो लिया तो y फाइव, y को जीरो लिया तो x फाइव. तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा फाइव एंड फाइव कॉमा जीरो. तो अब ये लाइन देखो ऐसे बनेगी. yes, sir. अब आप देखो उसने कहा इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, यही लाइन सिर्फ इसके ना ऊपर वाला एरिया ना नीचे वाला एरिया. तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे एरिया मार्क करूं, ग्रीन वाला एरिया देखो, ग्रीन वाला एरिया क्या होगा आपका, ये ऐसे. यस सर. रेड वाला एरिया क्या होगा आपका, ये वाला ऐसे. yes, और एक्स ग्रेटर देन जीरो की लाइन कैसे होगी, एक्स ग्रेटर देन का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है जी. और अगले में वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाला एरिया. तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो एक लाइन बन रही है, जो एक एरिया बन रहा है कॉमन, वो कौन सा बन रहा है, एंगल बन रहा है सर. ये सिर्फ ये लाइन बन रही है, ये वाली लाइन जो है यही कॉमन एरिया बन रहा है ना सारी चीजों का. बोलो. yes, sir. क्लियर हुआ जी. क्योंकि इक्वल टू का मतलब सिर्फ उस पर वही चीज होगी, उस पर वही चीज होगी ना ऊपर ना नीचे, और उसके ऊपर से लाइनें निकल रही हैं, तो सिर्फ वो लाइन ही जो है, ठीक है जी, ठीक है जी. तो आपके पास इसके पॉइंट क्या बनेंगे, ये वाले पॉइंट बन जाएंगे इसके. निकालो जरा क्या पॉइंट बनते हैं, ये पॉइंट कितना आ रहा है और ये पॉइंट कितना आ रहा है, 0502 और बी पॉइंट 32. बी पॉइंट लाए कर रहा है y 2 के ऊपर, तो बिल्कुल बात ठीक है 32. तो इस पे z निकाल दो, इधर 40 आ जाएगा, 15 प्लस 16 31 आ जाएगा इधर. तो मिनिमम आंसर चाहिए था 31 इज द आंसर. आप देखो सारा एरिया ही कौन सा आ रहा है कॉमन वाला. यहाँ वाला पॉइंट अगर मैं लूंगा भी तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, ऊपर चाहिए मुझे ग्रीन वाला एरिया, जो मेरा कॉमन एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है ना सारा, ठीक है ना. इस एरिया में सारे पॉइंट मिल रहे हैं मेरे को. बेटे क्लियर होगा सबको ये वाला इक्वल टू वाला केस. ये अब दोबारा बता दोगे, इक्वल टू वाले में क्या दिक्कत आई इसमें सर, ये लाइन वाला जो है. नहीं क्या बताऊं उसके अंदर की लाइन इक्वल टू कह रखा है ना, तो आप देखो सारे पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, जो हमारा शेडेड रीजन बन रहा है वो सिर्फ ब्लू लाइन के ऊपर ही मिल रहा है, जो मैंने ब्लैक से मार्क कर दी मोटी सी. समझ आया, 02 पे नहीं मिल रहा फिर. 02 पे क्यों मिलेगा यार, ये 02 कहां से आ गया, 05 है ये पॉइंट. हां 0 इसके नीचे वाला सर पॉइंट, उस पे भी तो मिलेगा सर. यहां कहां मिल जाएगा जाके, 0.2 या तो यहां पे होगा ना कहीं, ये लाइन तो यहां मिल रही है ना सिर्फ. सर B.32 कैसे हुआ, B.32 जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है, y=3 पे. वो तो 32 यार, y=2 पे. और ये लाइन कौन सी है अपनी, दूसरी लाइन कितनी आ रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो इसमें y को 2 पुट कर दो तो x कितना होगा, 3 हो गया ना, ठीक है जी. उसको पुट करके a और b निकाल दिया, वहां से आंसर बन गया. कोई डाउट,
एक एक करके पूछो सर, अगर इक्वल टू का आता है सम तो उसमें लाइन पर ही आएगा फिर? हाँ फिर लाइन पे ही आ जाएगा ना। ठीक है सर, इस वजह से वो है जो x plus y is equal to 5 आया है। हाँ जी, अगर equal to ना होता, greater than होता, lesser होता, फिर वो box type शायद बन जाता इसमें। ठीक है सर। हाँ जी, आप बोलो कोई doubt? सर क्लास कल कल क्लास रखेंगे आप, 11:15 रख लेंगे शाम को, थोड़ा दोपहर नहीं। अच्छा पेपर भी था ना तुम्हारा? हाँ। सर दो स्ट्रीम के। मैं शाम को पूछ लूंगा आप लोगों से, जो टाइमिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। एक घंटे की क्लास रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। तो अभी पूछ लो इनसे पेपर कितने कितने बजे, इनको पता ही नहीं होगा अभी, सवेरे तो कॉलेज जागा ही नहीं होगा अभी तक, इनको शाम तक बताएंगे। आज ये सर मेल हमारा तो हमारा तो 11 बजे 11 से 2 सर, एचआर वालों का 2:30 तक है। और दूसरा जीएम, जीएम वालों का 2:30 तक ही है सर। 2:30 के बाद फिर शाम को रख, शाम को रखते 5-1 के आसपास। ठीक है सर, 5-6 रख लो सर। 5-1 रखते हैं कल 5:00। ठीक है सर, थैंक यू। एक घंटे ही क्लास है, ठीक है। और मैं मैथ कराऊंगा सिंप्लेक्स, जिसकी कल की क्लास मिस होगी ना, अपने फ्रेंड्स को ही बोल देना, जिनकी कल की क्लास मिस होगी अगला हफ्ता पूरा ना आए, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिनकी कल की क्लास मिस होगी तो मिस होगी वो, ठीक है। चलो सर, x plus y equal to 5 की दोनों साइड पे नहीं होगा एरिया सर? नहीं बेटे, a की इक्वल टू है ना, इक्वल टू का मतलब ऊपर ही लाए करेगा, यही एरिया होगा ऊपर वाला। एक लाइन ओरिजिन में से निकलती होती है, जब दोनों का उसका एरिया दोनों साइड पे होता है। नहीं, किसने बोला? एरिया हमेशा बाउंडेड बाय ऐसे होगा लाइंस, अलग अलग लाइंस। सर ये एरिया होगा बीच वाला, ये थोड़ी होगा कि अगर लाइन ओरिजिन से पास कर गई तो ऊपर नीचे दोनों एरिया होंगे। गलत बोल रहे, इक्वल टू का मतलब तो क्या हुआ, इक्वल टू ही हुआ ना, फिर ग्रेटर लेसर की तो इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं रहेगी है। ठीक है जी, चलो ठीक है बेटे। कोई डाउट इसमें, ग्राफिकल मेथड्स में? चलो कल मिलते हैं आपका शाम को फिर, बाय बाय।